लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। रेलवे के पोखर पर कचरा गिराकर अतिक्रमण कर रहे लोगों को मना करने पर लंगड़ा बागान के वार्ड पार्षद को कुदाल मारकर जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद वार्ड पार्षद ने सहायक थाने में आवेदन देकर जांच की मांग की है। आवेदन मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस को आरोपी नहीं मिले। इस घटना के बाद घायल वार्ड पार्षद को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। यह घटना कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के 13 टोला मोहल्ले में घटी है, जहां पर रेलवे के पोखर को कचरा गिराकर अतिक्रमण कर रहे गणेश शर्मा को मना करने पर वार्ड पार्षद दीपक सिंह के साथ कुदाल से मारपीट की गई। मारपीट में दीपक सिंह का हाथ कट गया और शरीर पर कई जगह चोटें आई है। शिकायती आवेदन मिलने के बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। और हमारा हम निगम पार्षद है वार्ड नंबर 15 का, और हमारा रेलवे का सारा पानी वार्ड नंबर 15 में, हम लोग का रेलवे का तालाब है, इसमें आता है। ये लोग नगर निगम के द्वारा कूड़ा डाल डाल के तालाब को बंद किया जा रहा है, जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। इससे पहले भी हम एक बार कंप्लेन कर चुके हैं, डब्ल्यू को काम बंद हो गया था। आज हमने देखा कि फिर ये लोग नगर निगम से ट्रैक्टर लाकर और जमीन को अतिक्रमण कर रहे हैं। हमने आकर मना किया, तब तक गणेश शर्मा उधर से आया और उसका भाई कैलाश शर्मा आके कुदाल निकाला और कुदाल निकाल कर डायरेक्ट हम पे चलाने लगा। हमारा दो चैन था, चैन छीन लिया, मोबाइल था, मोबाइल छीन कर फेंक दिया। हाथ में जो चोट लगी है वो कुदाल से मार के उंगली पे, उंगली को टूट गया है, शोल्डर पे लगा है, कुदाल से वार किया है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।